बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बना रहे हैं लौकी गोश्त। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, 2 किलो मैंने गोश्त लिया। आप बीफ मटन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद प्याज लिए हैं मैंने, 4 अदद ही टमाटर लिए हैं मैंने, और 2 kg मैंने ली है लौकी। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून जाएंगे लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। थोड़ी सी कलौंजी है वो नीचे ज़रा छुप गई है। नमक हंस पे ज़रूरत जाएगा, ऑयल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑयल मैंने गर्म कर लिया। हम इसमें प्याज डाल दूँगी। मैंने तकरीबन हम वज़न ही लिया गोश्त भी और लौकी भी। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी हल्का सा बादामी। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दूँगी, इससे प्याज जो होता है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है। इसमें लहर मार रही, प्याज ब्राउन हो गया हल्का सा। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी मैं। टमाटर शामिल कर दूंगी, साथ ही इसमें सारे मसाले चले जाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें मैं, ताकि टमाटर गल जाए, मसाला जो हमारा तैयार हो जाए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी मैं। इसमें हमारे ही टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको मैं गोश्त को अच्छी तरह से गला लूंगी। थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि सब्ज़ी के साथ ये चर्बी वाला जो गोश्त होता है थोड़ा वो अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त माशाल्लाह से गल गया। आप इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, मैंने भी इसको प्रेशर में ही गलाया। अब मैं इसमें 2-3 हरी मिर्चें डाल दूँगी इस तरह से, थोड़ा सा इसको भूनूँगी। स्मेल माशाल्लाह से अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें लौकी शामिल कर दूँगी। अब इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, ताकि ये लौकी जो है थोड़ी देर गल जाए। अंदर से 20 मिनट इसको मैं गला लूँगी। आप चाहे तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसमें नरम आ गई माशाल्लाह से लौकी जो है गल गई थी अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल भी इसने छोड़ दिया। मैंने थोड़ा सा इसको भुना था। मैं थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला रखती हूँ, आपकी मर्ज़ी। आप मुकम्मल ड्राई करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसी तरह बनाती हूँ। अब इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। माशाल्लाह से रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया। ज़रूर इसको ट्राई करें, मेरे तरीके से बनाएं। उम्मीद है आपका ये बहुत अच्छा बने। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।